खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचेंगे। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। सुबह 8:30 बजे बताया जा रहा है लखनऊ से बागम्बरी मठ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मतलब प्रयागराज उन्हें पहुंचना है सुबह तकरीबन 8:30 बजे, लखनऊ से बागम्बरी मठ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कल ही महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार होना है और उसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंच जाएंगे सुबह सवेरे। केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागम्बरी मठ के लिए लखनऊ से रवाना होंगे। अंतिम संस्कार होना है कल नरेंद्र गिरी महाराज का। योगी आदित्यनाथ भी संत समाज से ही आते हैं और प्रभु के प्रति और उनके भक्तों के प्रति अटूट श्रद्धा उनकी है ही। बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ, महंत नरेंद्र गिरी का जब अंतिम संस्कार कल होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे लखनऊ से सुबह 8:30 बजे रवाना हो जाएंगे प्रयागराज के लिए। बागम्बरी मठ पहुंचना है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यह बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं अंतिम संस्कार में। आनंद गिरी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुछ वक्त पहले, मतलब कुछ घंटे पहले ही आनंद गिरी ये कह रहा था कि ये तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती, महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं, ये जरूर किसी की साजिश है। अब आनंद गिरी जो ये कह रहा था कि ये जरूर किसी की साजिश है, इसे आत्महत्या की शक्ल दी गई है, अब उसी आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि शक की सुई सबसे ज्यादा उसी के ऊपर घूमती हुई नजर आ रही थी। दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महंत नरेंद्र गिरी आपको दिखाई दे रहे हैं। कल सुबह योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। और दूसरी तस्वीर आपको मैं जो दिखा रही हूं उसमें महंत नरेंद्र गिरी अपने उसी शिष्य के साथ हैं, मतलब आनंद गिरी के साथ हैं जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को सबसे ज्यादा परेशान किया, मानसिक तनाव दिया, अवसाद में जाने की वजह भी आनंद गिरी। दो तस्वीर आपके सामने और इसीलिए अब हिरासत में आनंद गिरी को भी ले लिया गया है। अच्छा, ये यूं ही कहीं सुनी बातें नहीं है या पुरानी जो घटना घटी है उसके आधार पर आनंद गिरी के ऊपर शक नहीं जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट जो लिख करके गए हैं उसमें नाम आनंद गिरी का भी है और भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जब सुसाइड नोट लिखता है तो उसे सच माना जाता है, उसमें फिर कोई प्रश्न चिन्ह या फिर कोई शंका नहीं रहती है। ये माना जाता है कि हर मरने वाला शख्स जो भी शब्द लिखता है या कहता है उसमें सच्चाई होती है और इसीलिए सुसाइड नोट में जब आनंद गिरी का नाम है तो आप ये समझिए कि पुलिस उसे अंतिम सत्य मानेगी और आगे तफ्तीश अपनी शुरू करेगी और पुलिस के हर सवाल का जवाब आनंद गिरी को देना होगा।